क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो उत्तर प्रदेश के बारे में और ज्यादा बातें करनी जाए स्पेसिफिकली हमारे भाई रिंकू सिंह <laughs> उनके सबके भाई सबके सब भाई देश के भाई रिंकू सिंह लेट्स गो बेबी गॉड्स प्लान गॉड्स प्लान बेबी नहीं बट आई थिंक इतना ज्यादा लव ना Uh, बहुत कम क्रि क्रिकेटर्स को मिला है इन माई हिस्ट्री ऑफ वॉचिंग क्रिकेट आई डोंट रिमेंबर कि कोई इतना ज़्यादा कल्चरल फिनोमिना बन गया रिंकू सिंह की तरफ बिहाइंड द सीन्स कैसे हैं वो आई आई पर्सनली फील एक उनका जेनेटिक ब्लेसिंग का एंगल है थोड़ा स्ट्रेंथ हाँ। बहुत ज़्यादा है फेयर टू से बिल्कुल ए, आ, है था बट अगेन उन्होंने बहुत मेहनत की है बहुत अगर उनके फोटोज आप देखोगे शुरुआत में और आपको शायद पता भी होगा कि उनका एक किस्सा है जहाँ पे उनको बंदर ने खाया है काटा है बार 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 तो उसमें छे बार।, छे बार।, छे बार।, छे बार।, छे बार सेम बंदर ने आप अगर उनका एक आम बाइसेप उनका एक बाइसेप आधा कटा हुआ है तो है ही नहीं सो इज एक्चुअली लॉस्ट अ लॉट ऑफ मसल बिकॉज ऑफ दैट एंड सो जब इनिशियली खेल रहे थे जब आए थे तब मुझे याद है वो कहते कि आ, सर यार इसमें इसके से ताकत गया है ताकत गया है बद उसमें एक जुनून आ गया ट्रेनिंग का वो एक दिन ट्रेनिंग का मिस नहीं करते है एक दिन ऐसा अगर उन्होंने जिम नहीं की हो या ट्रेनिंग नहीं की हो ना उसको नींद नहीं आता है सो ही इज बिकम क्रेजी अबाउट ट्रेनिंग सो गिफ्टेड था एंड बिहाइंड द सीन्स ही इज ऑलवेज बीन अ शाय पर्सन एक्चुअली आप बहुत खुल गए पहले उनका मुँह नहीं खुलता था हम उन्हें मीटिंग्स में वो तो मीटिंग में अभी भी बात नहीं करते बट पहले तो ऐसा होता था कि यार रिंकू कुछ बोल दे कुछ नहीं बोलता था उसका एक्चुअली बहुत फेमस इंटरव्यू है uh, इंटरव्यू नहीं कह सकते बट एक प्रेजेंटेशन है जहाँ पे उन्होंने उनको मैन ऑफ द सीरीज मिला था तो मैन ऑफ द सीरीज मिला तो इंटरव्यू को बुलाया उसको तो उनको पूछा आपको कैसा लग रहा है रिंकू सिंह आपने इतनी अच्छी बैटिंग की इतने रन बनाए उसका जवाब जवाब ही नहीं दिया <laughs> कुछ नहीं बोला तो इंटरव्यू ने बोला नो प्रॉब्लम सर बाइक पे बैठिए और चले जाइए सो यू वो डेंट टॉक एट ऑल एंड ही सॉर्ट ऑफ इवॉल्व आप कॉन्फिडेंस आ गया उनमें विथ ऑल द लव इज गॉड थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीख गए बट ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन ही इज The same. अलग प्लेयर्स को अलग तरीके से कोच करना पड़ता है uh, जब हम किसी को हायर कर रहे होते हैं वी ऑलवेज लुक फॉर समथिंग कोचेबिलिटी यानी कि इस इंसान को आप कितना ज्यादा कर सकते हो जी. ये कितने खुले हुए तो रिंकू सिंह को लेकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा कोचेबल इंसान है जी। क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा हम्बल है वो ह्यूमिलिटी की वजह से उन्हें इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है uh, हर फैन ये जानता yeah, है कि रिंकू सिंह इज वन द मोस्ट हम्बल गाइज जिसको बिल्कुलेंस पाना है अपने स्पोर्ट में या जिसको बहुत अच्छा बनना है वो कोचेबल है सिंपल क्योंकि आपको अगर आप अच्छा बनना है मतलब आप सुनोगे दूसरे की किसी की भी सुनोगे करोगे अपनी इवेंचुअली जो आपको ठीक लगे पर आप सुनोगे ज़रूर तो रिंकू भी ऐसा है वो सुनेगा सबका लेकिन उसको जो लग रहा है उसके करियर के लिए ठीक है वही चीज़ करेगा सो इज़ ऑलवेज़ एक्चुअली बहुत कोचिबिल था प्रॉब्लम ये था कि ये नहीं समझ रहा है कि उसको जो चीज़ बोल रहे है, अच्छा है कि खराब है क्योंकि उल्टा कुछ बोलता ही नहीं था सिर्फ सुनता था इज़ टू ओनली लिसन बट वर्क हाउस था पाँच पाँच छः छः घंटे बॉल मारते रहता था मारते रहता था मारते रहता था जस्ट सो दैट लोग कहे कि रिंकू सिंह अच्छा प्लेयर है क्योंकि रिंकू सिंह का पहला मैं आपको कहता हूँ आई मीन ऑफ दिस बिफोर बहुत बहुत जगह कहा है मैंने मेरा फर्स्ट जो मीटिंग था रिंकू सिंह का रिंकू सिंह के साथ वो के के आर के समय हुआ था और वो साइड स्क्रीन के पीछे पुल शॉट खेल रहे थे तो जब मैंने मैं गया वहाँ पे और मैं जाक के आलें हमारे कोच थे तो मैंने जाक को पूछा जाक वॉड्यू वो मू डू डू तो उसने बोला देर आर यू गाइज बी आन द साइड स्क्रीन वाई डेंट यू गो हेल्प देम सर और राइट तो मैं उधर वहां गया और रिंकू उधर पुल मार रहा है कोई अंडरम फेंक रहा है पुल मार रहा है तो मैंने कहा रिंकू अभिषेक कैसा है सर ठीक हूँ क्या कर रहा है सर वो जाक सर कह रहे हैं कि मेरे को पुल खेलना आता नहीं है तो मैं सीख रहा हूँ और ये लड़का आई में खेल रहा है आई में आई की टीम में था तो आई फाउंड दैट एंडियोरिंग क्योंकि वो समय पर आप कहोगे नहीं कि मुझे आता नहीं है या कुछ कर पा रहे हो सो दैट इज़ वे रिंकू सिंह स्टार्टेड जहाँ पे वो पुल नहीं खेलते थे एंड द बिलीफ वॉज ये फास्ट बॉलर खेल ही नहीं सकते अगर आप उनके तब के वीडियो निकालोगे जब मुझे अभी भी याद है बुमराह उनको बॉलिंग डाल रहा है और वो ऐसे खुल रहे टी ट्वेंटी में लगातार खुल रहे तो वो चीज उनके जहन में भी फिट हो गया था कि सर मुझे एक दिन बैटिंग ऐसी करनी है कि लोग कहे कि रिंकू सिंह रिंकू सिंह है hmm. और ये चीज कोई कभी कहे नहीं कि रिंकू सिंह ये कर नहीं सकता क्योंकि वो साल उसने वो सुना था कि रिंकू सिंह फास्ट बोलर खेल नहीं सकते सो के अगेंस्ट मारता है और स्पिनर के अगेंस्ट सिर्फ मिड विकेट पे मारते हैं वो उसका रीजन था मिड विकेट टू तो स्क्वायर लेग उधर ही लप्पा घुमाता था सो थिंग्स थिंग्स सॉर्ट ऑफ दैट यू नो लॉट टू बिकम अ बेटर क्रिकेटर एक और थोड़ी कल्चरल चीज कहना चाहूंगा यहाँ uh, हमारे ऑफिस में अलग अलग स्टेट से हमारे टीममेट्स यूपी hmm. के टीममेट्स में मैंने हमेशा घिसाई नोटिस करी है बहुत ज़्यादा घिसाई होती है यूपी के कल्चर में शायद क्योंकि वहाँ इतने सारे लोग हैं तो उस वजह से अगर आपको आगे बढ़ना है कॉम्पिटिशन को बीट करना है घिसाई की वजह से बढ़ोगे देखिए लोग हैं लाइक्स और डिसलाइक्स है इट्स नॉट ईजी आप जब यूपी के लिए खेलते हो एक्चुअली आप सही कह रहे हो अगर आप यूपी प्रीमियर लीग देखोगे यू सी सो मच टैलेंट बट द प्रॉब्लम इफ़ दैट इज टैलेंट को आपको कभी कभी दिशा देनी होती है और वहाँ पे अक्सर ऐसे होता है कि हर खिलाड़ी अपना खुद का रास्ता ढूंढता है क्योंकि यू डोंट हैव अ सपोर्ट सिस्टम आपके पास अकेडमीज बहुत है लेकिन अगर आप सर्टेन अकेडमी से खेलोगे तो आपको खेलने का मौका मिलता है कोई कोई अकेडमी से नहीं मिलता है सो दैट सो मच दैट क्रिकेटर्स टू गो थ्रू इंडिविजुअली कि वो खुद पक जाता है गोइंग थ्रू द ग्राइंड तो जब वो यूपी के लिए खेलता है और वहाँ से ऊपर खेलता है तब तक वो पक गया क्योंकि ही इज गॉन थ्रू द ग्राइंड इज गॉन थ्रू एवरी सो यू इज़ नॉट एन ईजी स्टेट टू प्ले फ्रॉम एंड देर सो मच टैलेंट दैट आर लॉट ऑफ टैलेंटेड क्रिकेटर्स एक्चुअली अंत में यूपी तक नहीं खेलते हैं दूसरे स्टेट्स में भी चले जाते हैं बहुत सारे बहुत सारे क्योंकि देखिए यूपी इज़ अ बिग एरिया बिकॉज इट्स अ बिगर एरिया सो मनी मोर प्लेयर्स मोर कंपटीशन, लाइक्स डिसलाइक्स पिस जाते हैं okay. उसमें आ, थोड़ा और बात करना चाहूँगा रिंकू सिंह के बारे में आ, वो और आंड्रे रसल क्या बात करते हैं क्योंकि टेक्निकली आई <laughs> फील कि आंड्रे रसल एक तरह से उनके मेंटर है एज अ फिनिशर बात नहीं करते ज़्यादा <laughs> वो वर्ड यूज नहीं करूंगा लेकिन टाइम पास करते बहुत कम नजर आएगा आपस में जो प्लेयर्स में खास करके जब रिंकू सिंह वहां पे रिंकू सिंह सिर्फ टाइम पास करेंगे एक ही चीज अपने इंग्लिश में बैंटर करेगा उसके साथ कुछ ना कुछ बोल देगा रस को बस बिंदास बोल देगा अभी डर नहीं है उसको कुछ भी बोल देगा और इट्स ऑलवेज फन बट देखिए रासिल जैसा फिनिशर एक तो रिंकू सिंह एंड नेवर थॉट बी अ फिनिशर पहला चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो अभी भी और मैं भी अभी भी मानता हूँ वो प्रॉपर बैट्समैन है वो प्रॉपर ऐसा प्लेयर है जो चार पाँच छः नंबर पे आपको पचास साठ सौ सत्तर अस्सी बना सकता है ऑरेंज कैप जीत सकते हैं फ्यूचर में अगर ऊपर बैटिंग करेगा बिल्कुल अगर जो नंबर पे बैटिंग करे वो वो कर ही नहीं सकता है क्योंकि बैटिंग आपको इतना मौका मिलेगा नहीं देखिए लास्ट ईयर हमारे लिए जब हम क्वालिफाई नहीं हुए थे उन्होंने सात छः नंबर पे 400 से अधिक रन बनाए थे 480 एटी रन विच इज़ इनक्रेडिबल फॉर एनी वन फिलहाल so, ही एवरेज इज अराउंड नाइन्टी फ्रॉम एटी और नाइन्टी इन टी ट्वेंटी इज आट स्ट्राइक ऑफ वन नाइन्टी विच इज़ इनक्रेडिबल वो नंबर पे सो इट्स हार्ड टू स्कोर सो सोमनी रन अनलेस आपका टीम पिस गया है तभी आप रन बनाओगे सो so, ऑरेंज कैप के लिए यू हैव टू बी मेरा बिलीफ है टॉप थ्री बहुत हार्ड है आफ्टर थ्री ऑफ सी एन ऑरेंज कैप विनर आप अगर लिस्ट भी देखोगे उसमें आपको टॉप थ्री नजर आएंगे ऑरेंज कैप में सो इट्स हार्ड फॉर हिम बट डेफिनेटली पॉसिबल मे बी ऑरेंज कैप नहीं जीतेंगे पर लोगों का दिल जीतेंगे जीत तो जीत लिया है. जीत लिया है जीत लिया है।, जीत लिया है।, जीत लिया है और आई डोंट थिंक स्टॉप हिम जब तक होपफुली uh, uh, ये वर्ल्ड कप में तो पंद्रह में नहीं है बट आगे जाके वर्ल्ड कप में उसका एक दूसरा मिशन जो है लाइफ का इस टू विनर वर्ल्ड कप एक आई पी हो गया

Uh, मैंने ज़्यादा बात किया नहीं एक्चुअली बिकॉज आई फील वो सबसे खराब समय बात करने के लिए क्योंकि आप exp, हर प्लेयर जानते हैं कि लोग आके वाले नो प्रॉब्लम रिंकू हार्ड लक कोई नहीं मेहनत करते रहे यू वो इरीटेट हो जाते हैं क्रिकेटर्स यू डोंट वॉन्ट टू योर दैट बिकॉज यू नो इट यू आर डिसअपॉइंटेड सो आई रिमेंबर वाखेड़े में थे हम लोग जब वो टीम अनाउंसन आई मेटिम बिकॉज वो घर चले गए थे वहाँ से दो दिन के लिए और जब वाखड़े पर आए जस्ट आई जिस मतलब मेरा यही था कि कुछ बोलना नहीं था गेमा हक टाइट हाथ दैट्स इट डिन से मच लेफ्ट इट एट दैट बिकॉज मैं उसको मैं उसको इतने साल से जानता हूँ आई नो वॉट इज फीलिंग आई नो दी ओनली थिंग दैट गोडो हेल्प एम इज परफॉर्मेंसेज अच्छा करना रन बनाना या आई पी एल जीतना एंड एज लक हैडेट यू नो हम जीत गए सो आई फील दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोडो मेक इम हैप्पी बिकॉज ये न्यू वर्ल्ड कप तो अब शायद नहीं मिलेगा उन्हें मौका सो so, उसके बाद कहना कुछ मतलब ही नहीं बनता बट यू न्यू यू नो फॉर अ वीक ही वॉज

अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ